देखिए बिहार का जो ये शेल्टर होम वाला मामला था जिसमें बालिकाओं के साथ सेक्सुअली असल्टमेंट होता रहा और उसके जो ओनर ब्रजेश ठाकुर समेत कई लोगों को 19 लोगों को दोषी करार पाया है सरकार ने, और साकेत की कोर्ट ने, दिल्ली साकेत की कोर्ट ने उनको 28 जनवरी को उनकी सज़ा पे फर्स्ट बहस होने वाली है। और मुझे ये लग रहा है कि जब ऐसे हाई प्रोफाइल लोग और जैसे इतने जो नामचीन लोग होते हैं, जो शहर में नामी होते हैं, जिनके लोग जिनका सम्मान करते हैं, वो अगर इस तरह की हरकतों में शामिल है तो उसी हिसाब से उनकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। और कानून से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनके साथ कोई रियायत न बरती जाए, उनको बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए निर्भया केस में केस को निर्भया के साथ ये भैंसियाना व्यवहार हुए, उनके पर जुल्म हुए, मर्डर करे हुए उनको 7 साल हो गए, और उसके बाद भी ये केस की सुनवाई पे सुनवाई होती चली जा रही है। वो लोग अपनी पिटीशन दायर करते जा रहे हैं, कोई ना कोई बहाने किसी न किसी तरह बचने के सुराग ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें इतनी देरी होने वाजिब ही नहीं है। और ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, लोग न्याय का मजाक बनाने लगे हैं, न्यायपालिका पे से लोगों का विश्वास उठने लगा है, टूटने लगा है, और वकीलों ने इसको खिलौना समझ के खूब एक गेंद को एक पाले से दूसरे पाले पे उछाल रहे हैं। तो अब बस बहुत हो गया, अब लोगों की बर्दाश्त जवाब दे रही है, और अब इनकी कोई भी अपील, कोई भी पिटीशन, कोई भी सुनवाई ना हो, बस इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी के मंच पे चढ़ा दिया जाए और ऐसे ऐसे राक्षसों से इस समाज को, इस हमारे देश को छुटकारा मिले।